Morning students, once again you are welcome in history class. Today we are going to discuss about France becomes a constitutional monarchy. You know the term monarchy, the rule of king, but now here we will come to know that France was absolute monarchy, but in the year 1791 it became constitutional monarchy. In 1791 a constitution was drafted by the National Assembly of France. In previous lectures we have discussed about these things, how France and how the revolution of France took place, and National Assembly, because before National Assembly there was State General, a political body, you know that, because a State General was called meeting by the Louis XVI. But when people of Third Estate boycotted the meeting of State General and they went against the Louis XVI and they took oath in the tennis court ground, all these stories and incidents I have discussed to you. So National Assembly now is a political body, a political institute which was responsible to frame new laws, new policies for the France now in the year 1791. बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रांस 1791 में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और 1791 में फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्या कहा जाता है कि फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. राजा तो होगा लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगा, लॉ के अकॉर्डिंग बात करेगा. उसकी जो मनमानी थी, जो वो कहता था कि माई वर्ड्स आर लॉज, आई एम बॉर्न टू रूल, I am the messenger of God, and you people are being ruled by me. जो उसकी ये वाहियात बातें थे, उसका जो ये बर्पन और घमंड था, इसको तोड़ने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा, थर्ड स्टेट के द्वारा, स्पेशली नेशनल असेंबली के द्वारा एक तैयार किया गया संविधान, और 1791 में फ्रांस का संविधान बना. लेकिन ये फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका ये मतलब नहीं था कि फ्रांस में चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो गई. तो अभी आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड व्हाई फ्रांस अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, राजा के शक्तियों को कम करना. कम कैसे किया जा सकता था, उसके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जा सकता था, उसके लिए यहाँ पर मैंने बताया आपको गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब इस पर राजा का कंट्रोल नहीं रह गया. ये किसके द्वारा हैंडल होते थे, नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स थे. इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं. अभी इंडिया के पार्लियामेंट में, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो टू चैम्बर है पार्लियामेंट का, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हम लोग का है, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठते हैं, एमपीज इन द पार्लियामेंट, दे डिसाइड वेदर इट इज़ गुड और बैड, वट काइंड ऑफ डिसीजन दे विल टेक. दे विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ वी पीपल, बिकॉज वी हैव इलेक्टेड देम एज अ रिप्रेजेंटेटिव द कंट्री. इन इंडिया वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. द सेम थिंग इज हेयर, नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द मेम्बर्स ऑफ नेशनल असेंबली, दोज हु वेयर टैक्स पेयर्स, दोज हु वेयर इलेक्टर्स, नाउ दे विल थिंक ओवर इट. लेजिस्लेटिव, बट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, या इट्स ओके दैट किंग विल बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सरकार जो है, मुखिया जो है, प्रधान जो है, वो मोनार्क तो होगा, राजा तो होगा, वो लुई 16 ही होगा, लेकिन उसके द्वारा उसकी जो डिज़ायर है, उसका जो विल है, उसकी जो इच्छा है, वो सब कुछ नहीं. उसको इसका इधर डिस्कशन करना पड़ेगा, उसको नेशनल असेंबली से विमर्श करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा. नेशनल असेंबली इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द फ्यूचर ऑफ फ्रांस, एंड दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज देयर. लेट्स मूव. नेशनल असेंबली हैड पावर टू मेक लॉज, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओनली द मेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मस्ट नोटिस दिस, ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस. Important point is this, who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage were given a status to active citizens.
Students, the very important thing you have to understand that who were active citizens and who were passive citizens. The population of France was 28 million at that time, but 4 million people had right to vote. I am not talking about all people of France. The entire population of France was 28 million, but only 4 million people had right to vote because they were called active citizens, those who were voters, electors. They were called active citizens. Very important thing is that you have to understand this. Active citizens, those who were voters. Who were voters? Voter kaun the? Kaun vote de sakte the? Kya criteria tha? To vote ve log de sakte the jo taxpayer the. Maine yahan par aapko bataya ki those who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage were given status to active citizens. Those who were unable to pay taxes, they were called passive citizens. और महिलाओं को भी इसी कैटेगरी में रखा गया. Women had no right to cast the vote in France. There was no suffragette. The very important term is there, suffragette. Later we will discuss about these things. That is called right to vote franchise. So women of France had not right to vote, but those who were poor, those who were laborers, those who were daily wagers, those who were laborers, they had not right to go vote. They had no right to cast the vote. They were passive citizens because they were not taxpayers. Where tax नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको कहाँ रखा गया? Passive में. जो tax pay कर रहे थे, 4 million लोग, उनको जो tax bracket में आ रहे थे, जैसे आप लोग जानते हैं income tax, जो pay करते हैं उनको हर एक साल रिटर्न करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करेंगे क्योंकि उनकी इनकम अधिक है. तो फ्रांस में जो लोग वेल्दी थे, कह सकते हैं जिनके पास पैसा था, जो बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, जो अपर मिडिल क्लास आप कह लीजिए, जो रिच कह लीजिए, एलिट क्लास कह लीजिए, उनको राइट तो था वोट देने का, लेकिन सबको राइट नहीं था. जैसे इंडिया में क्या है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन हैज राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वी हैव right to equality. But here in 1791 this was not so. So passive citizens, those who were not taxpayers, those who were laborers, peasants, artisans, poor people, they had no access to the government. So this was a problem. Now come to the constitution of France. What was written, what was mentioned in the constitution of France? As you know that, students, preamble is the beginning introduction of the constitution of any country. The declaration of rights of man and citizens, France ki jo preamble thi, wahan ka jo constitution jo usme create kiya gaya, draft kiya gaya, uska jo first beginning jahan se hota hai, usme kya likha jata hai? Man, purushon ke adhikaron ki ghoshna aur wahan ke nagrikon ke adhikaron ki ghoshna, natural rights, inalienable rights, the rights which is by born, it cannot be negated, denied or changed, any kind of alteration is cannot be made there. What was said? Men are born and remain free and equal in rights. Freedom of speech, expressions were given to the people of France. Those who were taxpayers, once again remind it, those who were taxpayers only they had right, those who were active citizens. So these are the merits, but this is demerit. When somebody asks you what were the demerits, what were the dosh, kya burai kya tha, to jo wealthy person tha, jo rich hai, wo to influence kar sakta hai law ko, kyunki uske paas tax dene ki kshamta hai, wo tax de sakta hai, aur jo tax de sakta hai wo vote kar sakta hai, wo voter banega, wo elector hai. और इस प्रकार की समस्या जब फ्रांस में आई तो फ्रांस की जनता ने इसका विरोध किया. खासतौर पर आप देख सकते हैं कि वीमेन, जिनको इससे स्लैब से अलग रखा गया, वीमेन हैड नो राइट टू वोट, नो राइट टू वोट, दे वर द पार्ट ऑफ पैसिव सिटीजन्स. सो यू कैन से दैट दिस इज व्हाट
this is discrimination. So it was a bad thing. And I will send you a photograph of this lecture so that you could understand the real figure of France. So with this video lecture, I am going to send the photographs also, and you will prepare notes. So today's homework for 14/4/20. आज का आप लोग का होमवर्क ये है कि आप इसका नोट्स बनाएंगे और इसका फेयर करेंगे अपने नोटबुक में. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. टुमारो वंस अगेन वी विल मीट अगेन एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम विथ अ न्यू लेक्चर. फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक हियर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस रिपब्लिक हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक्स and so on. Thank you very much.